Welcome to all of you. This is video classes for class 11 business studies. Student, right now we have completed up to chapter number 8. Now we are moving to the next chapter, that is chapter number 9, small finance, small businesses. So we learn lot in this chapter about various type of businesses, various categories in which businesses has been divided, So let us start chapter number 8, small business. So first of all, student, complete chapter have been completed, covered in your examination. Few topics have been deleted, and a new topic also add in this chapter, that is entrepreneurship development topic has also covered in this chapter. So I will discuss the topic separately. First of all, we start chapter number 9, small business topic. Is it clear? So first of all, meaning and nature of small businesses. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये स्टार्ट करने से पहले जानना जरूरी है कि व्हाट इज स्मॉल बिजनेस. गवर्नमेंट लॉट ऑफ बेनिफिट्स, अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट लॉट ऑफ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है. यदि हम बात करें इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स के लिए भी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, टैक्स बेनिफिट और वेरियस एग्जेम्पशंस के लिए जो क्राइटेरिया है उसको भी डिवाइड कर रखा है, जस्ट लाइक मेल, फीमेल, सीनियर सिटीजन. तो उसी तरीके से गवर्नमेंट ने, हम यदि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो वेरियस बिजनेसेस को भी वेरियस कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, स्मॉल बिजनेसेस, मीडियम बिजनेसेस, लार्ज स्केल बिजनेसेस. क्यों डिवाइड किया है, रीजन क्या है, क्योंकि जो बहुत सारे बेनिफिट्स है गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू बिजनेस, अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी प्रोवाइड करती है. स्मॉल बिजनेस है तो उसके अकॉर्डिंग बेनिफिट्स है, एग्जेम्पशन है. लार्ज बिजनेस है तो उसको क्या क्या फैसिलिटीज है. तो इस कारण से यहाँ पे बिजनेस को भी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, कैटेगराइज कर दिया है, कि ये यदि स्मॉल बिजनेस है तो ये बेनिफिट्स है, मीडियम बिजनेस है तो ये बेनिफिट्स है, लार्ज स्केल पे बिजनेस है तो ये बेनिफिट्स है. तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्मॉल स्केल बिजनेस, व्हाट इज फर्दर पार्ट्स ऑफ स्मॉल बिजनेस. इट मे बी माइक्रो बिजनेस, इट मे बी रूरल सेक्टर बिजनेस. सो इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न्ड वेरियस categories of business. So first of all, start with meaning and nature of small business. In India, the village and small industry sector consists both traditional and modern small industries. This sector has 8 subgroups. They are handlooms, handicrafts, coir, sericulture, khadi, village industries, small scale industries and power loom. इज इट क्लियर? तो गवर्नमेंट ने क्या कर रहा है कि जो विलेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज है उसको उसके अंदर इन 8 कैटेगरीज ग्रुप को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, फर्दर अलोकेट कर दिया है. द लास्ट टू कम अंडर मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. जो हमने यहाँ पे टोटल 9, जो टोटल 8 नेम्स पढ़े बिजनेसेस के, उसमें से जो फर्स्ट 6 है वो ट्रेडिशनल बिजनेस में आते हैं और लास्ट 2 इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड पावर लूम्स आर कंसिडर्ड इनटू मॉडर्न स्मॉल इंडस्ट्रीज. द नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, व्हाइल द अदर्स कम अंडर ट्रेडिशनल बिजनेस, विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज टुगेदर प्रोवाइड द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया. Before understanding the nature and meaning of small business, it is important to know how size is defined in our country. That means, क्या बोल रहे हैं कि किस size कैसे define कर रहे हैं हमारी country में, कि कौन सा small scale business है, कौन सा large scale business है. तो यहाँ पे है, it is important to know how size is defined in our country with reference to small industries and small business establishment. Several parameters can be measured to size of the business units. That means कुछ countries बात करें तो कुछ और parameter use करती है, कुछ government कोई parameter use करती है कि employment कितना है उसके basis पे है, तो कुछ use करती है number of persons employed in a business, capital invested in business. जितनी capital invested है, कम है तो small है, large है तो large scale है,
उसके अलावा हम बात करें पावर कंज्यूम फॉर बिजनेस एक्टिविटीज, कितनी पावर कंज्यूम कर रही है. हाउएवर देयर इज नो पैरामीटर व्हिच इज विदाउट लिमिटेशन, डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ मेजर्स कैन वेरी. दैट मीन्स कोई से भी पैरामीटर के बेसिस पे हम पर्सन को यहाँ पे बिजनेसेस को क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं. The definition used by the government of India describes small industries is based on investment. That means several parameters use कर सकते हैं हम किसी को भी define करने के लिए, किसी भी business को. लेकिन जो government जो parameters use कर रही है वो क्या ले रही है, investment in plant and machinery. That means आप जो भी definition यहाँ पे read करेंगे वो क्या किसके basis पे करेंगे, investment in plant and machinery. That means इतना investment यदि plant and machinery में होगा तो small scale पे होगा, इतना पे होगा तो medium पे होगा. तो यदि इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी पे है या इससे ज्यादा होगा तो लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस में होगा. तो क्या हुआ है यहाँ पे, गवर्नमेंट ने सेवरल पैरामीटर्स यूज करती है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट यदि बिजनेसेस को डिवाइड करने के लिए यदि कोई कॉमन पैरामीटर यूज कर रही है तो दैट इज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी. अब आपको आगे समझ में आ जाएगा इजीली, आप कोई से भी डेफिनेशन देखेंगे ना तो उसमें लिखा हुआ आएगा इफ इन्वेस्टमेंट इज अप टू दिस लिमिटेड देन इट इज कैटेगराइज्ड इन दिस बिजनेस दिस कैटेगरी. तो यहाँ पे आप देखेंगे हर जगह प्लांट एंड मशीनरी का यूज हुआ होगा इन्वेस्टमेंट. इज इट क्लियर. The emergence of a large service sector has necessitated the government to include other enterprise covering both small scale industries. What is the full form of SSI? Small scale industries and related service entities under same umbrella. Next हम बात करें, इससे कुछ वैसे relevant नहीं है लेकिन यहाँ पे एक ये एग्जाम में आ जाता है वन मार्क्स के लिए. द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट क्या है, MSMED एक्ट क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 एड्रेसेस दीज इश्यू रिलेटेड टू द डेफिनेशन क्रेडिट मार्केटिंग टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन. यदि आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन MSMED किससे रिलेटेड है, तो बेसिकली इट इज रिलेटेड टू all the problems of small scale industries. The MSMED Act 2006 came into force with effect October 2006. According, enterprises are classified into two major categories, that is manufacturing or service. अब हम जो भी definitions read करेंगे वो हम देखेंगे कि manufacturing sector के basis पे में भी देखेंगे और service sector में भी हम यहाँ पे read करेंगे. So student, this is the general introduction of this chapter. Now we are starting the main part of this chapter. So first of all, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, आप सब जानते हैं व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, दोज इंडस्ट्रीज व्हिच इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग, व्हिच इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स. सो इन व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इन केस ऑफ एंटरप्राइज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स प्रिटेनिंग टू एनी इंडस्ट्रीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडस्ट्रीज Act 1951. They are three type of industries. That means यदि कोई भी किसी भी business जो यहाँ पे लिखा हुआ है schedule A industry act में लिखा हुआ है 1951 में, यदि उससे related किसी भी manufacturing में production को raw material को finished good में convert कर रही है तो उसको किसके अंदर आएगी, वो कौन सी industry में आएगी, manufacturing. अब manufacturing industries को क्या किया गया है, further three part में divide किया गया है. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी खूब सारी होती है, अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने उनको क्या किया है, थ्री पार्ट में डिवाइड कर दिया है. माइक्रो एंटरप्राइजेस वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 25 लाख रुपीज. इज इट क्लियर. यदि सपोज कीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है तो सबसे फर्स्ट हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो गुड्स को क्या कर रही होगी, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रही होगी. इज इट क्लियर.
अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को उनके प्रोडक्शन, उनके लेवल ऑफ ऑपरेशन के बेसिस में थ्री पार्ट में डिवाइड कर दिया है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को भी गवर्नमेंट ने और सर्विस इंडस्ट्रीज को भी थ्री पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर दिया गया है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कौन सी होगी? वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 25 लाख रुपीज। दैट मीन्स यदि जो इंडस्ट्रीज है उन्होंने वो जो प्रोडक्शन कर रही है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रही है और प्लांट एंड मशीनरीज में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना है 25 लाख रुपीज का, देन इट विल बी कंसिडर्ड इनटू माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। नाउ द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट डेफिनेशन इज स्मॉल एंटरप्राइजेस। माइक्रो मतलब सबसे छोटी, स्मॉल मतलब माइक्रो से बड़ी और मीडियम से छोटी इंडस्ट्रीज। तो वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी मोर देन 25 लाख रुपीज बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ रुपीज। दैट मीन्स वो सारी इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रही है और इन्वेस्टमेंट कहाँ से कहाँ तक है, 25 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है और 5 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट है, देन दे विल बी कंसिडर्ड इन टू स्मॉल एंटरप्राइजेज। और ये इन्वेस्टमेंट किस में है, एम्प्लॉयज में, बिल्डिंग्स में, या फिर वहां के रॉ मटेरियल में, किसके अंदर इन्वेस्टमेंट है? प्लांट एंड मशीनरी जो वहां पे यूज हो रही है उसकी टोटल वैल्यू इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें मीडियम एंटरप्राइजेस, तो मीडियम एंटरप्राइजेस कौन सी होगी? वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज मोर देन 5 करोड़ रुपीज बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज। दैट मीन्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना होगा प्लांट एंड मशीनरी में, 5 करोड़ से ज्यादा एंड 10 करोड़ रुपीज से कम, देन इट विल बी कंसिडर्ड इन टू मीडियम एंटरप्राइजेस। अब आप देखेंगे सब क्या कर रहे हैं, सारी इंडस्ट्री जो हमने माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंडस्ट्रीज यहाँ पे एंटरप्राइजेस स्टडी करी है, सब क्या कर रही हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रही है। लेकिन जो वेरियस गवर्नमेंट बेनिफिट्स, वेरियस टैक्स बेनिफिट, वेरियस सब्सिडीज बेनिफिट, उन सब के कारण गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, इनको डिवाइड कर दिया है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम में। जस्ट लाइक अपन देखते हैं ना कि बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल या जिसकी इनकम स्केल जिसका इससे ज्यादा हायर है, तो आप देखते हैं कि गवर्नमेंट को इतने बेनिफिट है। यदि लोअर है इसका इनकम या बिलो पॉवर्टी लाइन है तो गवर्नमेंट की तरफ से ये बेनिफिट्स है या ये रिबेट्स हैं उनको। तो उसी का तरीके से गवर्नमेंट ने इन इंडस्ट्रीज को भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नेक्स्ट हम बात करें सर्विस सेक्टर। अब सर्विस सेक्टर क्या कर रही है, इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में तो कन्वर्ट नहीं कर रही है लेकिन वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करके क्या कर रही है, अर्न कर रही है। तो उसके अंदर भी इंडस्ट्रीज को थ्री पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज माइक्रो इंडस्ट्री, माइक्रो एंटरप्राइज इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो आपको लिखना है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 25 लाख रुपीज। लेकिन आ जाता है सर्विस सेक्टर, तो सर्विस सेक्टर में आपको पता है मशीनरीज की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो यहाँ पे माइक्रो इंटरप्राइजेस किसे कहा गया है, वेयर द इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 10 लाख रुपीज। मैन्युफैक्चरिंग में कितना नहीं, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 25 लाख रुपीज से, बट इन केस ऑफ सर्विस सेक्टर माइक्रो इन्वेस्ट इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें स्मॉल एंटरप्राइजेस, वे द इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट इज मोर देन 10 लाख रुपीज बट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज, देन इट विल बी कैटेगराइज इन टू स्मॉल एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट है मीडियम एंटरप्राइजेस, वेयर द इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट इज मोर देन 2 करोड़ रुपीज बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ रुपीज, देन इट इज कैटेगराइज्ड इनटू मीडियम एंटरप्राइजेस। इज इट क्लियर? और ये इन्वेस्टमेंट किसकी बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट डेफिनेशन इज विलेज इंडस्ट्रीज, विच इंडस्ट्रीज कॉल्ड विलेज इंडस्ट्रीज। सो we have learned the definition of village industry. Village industry has been defined as any industry located in rural areas which produces any goods, rendered any service without or with the use of electric, with the use of power, and which the fixed capital investment per head or artisan or worker is specified by the central government from time to time.
इज इट क्लियर? तो विलेज इंडस्ट्री किसे कहा गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल वो रूरल एरियाज में स्टैब्लिश होनी चाहिए, उसके अलावा वो कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस कर सकती है, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और विदाउट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड इन विच फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर हेड और आर्टिजन्स दैट मीन्स जो वर्कर्स वर्क करते हैं स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. जस्ट लाइक यहाँ पे 25 लाख 10 लाख जो लिमिट प्रिस्क्राइब करी थी ऊपर इंडस्ट्रीज में, ये विलेज इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट की तरफ से फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती है. तो यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम वो लिखा हुआ नहीं है कि कितना होना चाहिए पर आर्टिजन इन्वेस्टमेंट, तो ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. तो ये विलेज इंडस्ट्री कहलाएगी. नेक्स्ट हम बात करें कोटेज इंडस्ट्री. दीज आर ऑल्सो नोन एज रूरल इंडस्ट्रीज और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज. दे आर नॉट डिफाइंड बाय द कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया एज इन द केस ऑफ अदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. हाउएवर कोटेज इंडस्ट्रीज आर कैटेगराइज बाय सर्टेन फीचर्स लाइक द फॉलोइंग. तो क्या बोला गया? दीज आर ऑल्सो नोन एज रूरल इंडस्ट्री और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज. इन इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलेंगे? कोटेज इंडस्ट्रीज को दूसरे किस नाम से जानते हैं? रूरल इंडस्ट्री और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री. दे आर नॉट डिफाइंड बाय द कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे नहीं डिफाइन किया गया है. कैपिटल इन्वेस्टमेंट जस्ट लाइक जो इन्वेस्टमेंट हम प्लांट एंड मशीनरी में कर रहे थे ना, उसके बेसिस पे नहीं डिफाइन किया गया है. हाउएवर कोटेज इंडस्ट्रीज आर कैरेक्टराइज बाय द सर्टेन फॉलोइंग फीचर्स. लेकिन यदि कोटेज इंडस्ट्री है कोई तो उसके अंदर ये फीचर्स होने चाहिए. क्या? दीज आर ऑर्गेनाइज बाय इंडिविजुअल विथ प्राइवेट रिसोर्सेस. दैट मीन्स गवर्नमेंट इनको ऑर्गेनाइज नहीं करेगी. कौन ऑर्गेनाइज करेंगे? प्राइवेट रिसोर्सेज. नॉर्मली यूज फैमिली लेबर एंड लोकली अवेलेबल टैलेंट. जस्ट लाइक आप देख रहे हैं कि विलेजेस में देखते हैं आप कि फैमिली मेंबर ही वर्क कर रहे होते हैं. जो भी फैमिली बिजनेस है, रिलेटिव्स भी उसी में बिजनेस में इन्वॉल्व है, और या फिर ज्यादा से ज्यादा वो क्या हायर करते हैं वहां पे लोकली जो लोग मिल जाते हैं, उनको लगता है कि ये वर्कर्स ये लोग सुटेबल है हमारे वर्क के लिए, तो वो उन लोगों को यूज करते हैं वर्क कंप्लीशन के लिए. द इक्विपमेंट यूज्ड इज सिंपल. मशीन्स बहुत हाई टेक्निकल नेचर की नहीं होती है, बहुत सिंपल मशीन इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं. कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज स्मॉल. आप देखेंगे कि जो विलेजेस में या कोटेज इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट बहुत स्मॉल होता है. मशीनरीज बहुत सिंपल यूज करते हैं, हाई मशीनरीज वो यूज नहीं करते क्योंकि उनके पास में फंड्स की हमेशा क्या रहती है? स्कार्सिटी रहती है. नेक्स्ट है प्रोड्यूस सिंपल प्रोडक्ट नॉर्मली इन देयर ओन प्रमिसेस. दैट मीन्स वो जनरली अपने जो एरिया है जहाँ रहते हैं वहीं पे वो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं. ऐसा नहीं है किसी और जगह फैक्ट्री ले रहे हैं या कोई पर्टिकुलर प्लेस ले रहे हैं. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यूजिंग इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी. जो भी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स जो लोकल टेक्नोलॉजी है, जो पहले से चली आ रही टेक्नोलॉजी, उसको यूज करके वो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं. इज इट क्लियर? सो यदि किसी इंडस्ट्री में ये सारे फीचर्स हैं देन दैट इंडस्ट्री डेफिनेटली कॉल्ड एज कोटेज इंडस्ट्री. इज इट क्लियर? तो क्या क्या फीचर्स हैं? प्राइवेट और इंडिविजुअल्स ऑपरेट करेंगे, फैमिली लेबर यूज होगा, इक्विपमेंट यूज इज सिंपल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज स्मॉल, प्रोड्यूस स्मॉल प्रोडक्ट नॉर्मली इन देयर ओन प्रमिसेस, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यूजिंग इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी. इज इट क्लियर? अब हमने जो डेफिनेशन रीड करी है हमने माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विस में, तो यदि हम बोले कि एक होल एंड सोल गिवन है, यदि समरी फॉर्म में गिवन है, माइक्रो इंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किसे बोलेंगे? कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट इन मशीनरी अप टू 25 लाख एंड इन सर्विस सेक्टर अप टू 10 लाख. स्मॉल एंटरप्राइजेस बिटवीन 25 लाख टू 5 करोड़ और इन सर्विस सेक्टर बिटवीन 10 लाख टू 2 करोड़. मीडियम एंटरप्राइजेस बिटवीन 5 करोड़ एंड 10 करोड़ और सर्विस सेक्टर में बिटवीन 2 करोड़ एंड 5 करोड़. सो दीज आर द डेफिनेशन. यू विल प्रिपेयर योर नोट्स रिलेटेड टू दिस डेफिनेशन, रिलेटेड टू दीज डेफिनेशन एंड कंप्लीट योर वर्क एंड लर्न ऑल दीज डेफिनेशंस. सो स्टूडेंट दिस वीडियो इज ओवर नाउ हियर.